अपन ऐसे अच्छे सुंदर सुंदर बच्चे बन रहे हैं आज। गुड गर्ल, क्यूट। आई उठो, आई आई जान आई आई सच। भाग भाग जल्दी मूली आई। क्या हो गया साहिल? मेरे को कुछ करना नहीं आता। किसी का गुजर जाना उसे हमसे अलग कर देता है, हमें दुख पहुंचाता है, पर इस दुख को सिर्फ अपना ना मान के अगर हम ये समझे कि इंसान हो या जानवर, हर कोई मृत्यु का दुख अनुभव करता है, उसे अपने ढंग से जाहिर करता है। फिर वो चाहे चिंपैंजीज का मृत शरीर को नहलाना हो, लंगूरों का मृत शरीर से मिलने आना हो, हाथियों का मृत शरीर को ढकना हो, या किसी भी और जानवर का मृत शरीर के पास बैठे रह जाना हो, तो मृत्यु का ये शोक हम सबको एक दूसरे से जोड़ सकता है। यार ये कौन है? राधा, पूरी रात इसने कल गाना गाया है। किसको ब्लास्ट हुआ है? उसका नाम नहीं रखा अभी हमने। मे भी नहीं, मेरे को 3-4 एनिमल्स के नाम रखने हैं। हैं? विक्की, विक्की रख दे नाम। एक्चुअली विक्की रख सकते हैं। तुम बुरा मनाओगे अगर किसी डॉग का नाम विक्की रखा तो? नहीं, पहले रखा था अभी थोड़े दिन पहले। वो तुम्हारे पे छोड़ना था, वो तो अमिताभ के उस पे ना कैरेक्टर में। विक्की बाबू था। हाँ, शराबी में होता है ना विक्की बाबू। हमारा कुछ है रेस्क्यूज या कुछ इतने गंदे मौसम में? स्ट्रीट ऑन स्ट्रीट है, छतरी वाला डॉग को ना जैसे हाफ बॉडी पैरालिसिस जो होता है वो इशू है। तो उसका ध्यान कौन रख रहा है सर? वहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो कि वैसे तो प्रेशराइज करेंगे आप लोग लेके जाइए, अभी तो सिर्फ 3 दिन ही हुआ है। तो पैरालिसिस वहाँ पे कैसे ठीक हो जाएगा सर? अभी हफ्ते भर का ट्राई कर रहे हैं कि रेगुलर मेडिकेशन दे के देखें और उसके बाद फिर डिसीजन लेंगे। तो है कहाँ? वो सड़क पे, रफ सरफेस पे, कॉलेज कैंपस। कॉलेज कैंपस में? तो फिर तो वो उसका ध्यान वहाँ रख सकते हैं, बता सकते हैं। वो प्रेशराइज कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम लोग तो बस दिन में रहते हैं तो नहीं, कल जब जैसे सॉरी सॉरी कोई ना, ठीक है उसको ले आओ। क्या हुआ भैया इसको, डॉग को? भैया अभी बता नहीं पाऊंगा मैं। क्यों भैया, क्या हुआ? अब मैं साहब थोड़ा किसने मारा हुआ इसे? ये जगह नहीं खड़ी हुई है इसकी, इस जगह पे है, इसको दिक्कत है। चलो नहीं बस खाने खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, डेली खिलाते हैं हम तो। तड़पे ना ज्यादा, बाकी तो आप पे आ जाओ, आपको सही लगे वो कर दें। पहले भाई इसको ट्रीटमेंट दो, अगर बच जाएगा तो ठीक है वापस कर देना, और नहीं बचता है तो फिर मर्सी किल भी ठीक रहेगा, कोई बात नहीं। मशीन देख सकते हो, तड़पता है। नहीं आप सैड सैड मत हो, आपने तो एक बेटर डिसीजन लिया। बहुत से लोग ना इस बारे में बात नहीं करना चाहते कि यूथनाइज कर दो। वो ये चाहते हैं कि डॉग को दर्द होता रहे बट मेरे दिल को ठेस ना पहुंचे। बट आप लोगों ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया सर, वो अगर नहीं होगा सही तो फिर वही सही रहेगा ना फिर। स्पाइन डैमेज है, एक साइड से स्पाइन उठ गई है और एक साइड में बेंड हुई है। ठीक होने के चांसेस जो है वो ना के बराबर है। मतलब
सर एक केस और है, एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि आप इस डॉग को प्लीज़ एक महीने के लिए अपने पास रख लीजिए और फिर उसके बाद वो अडॉप्ट कर लेंगे। अभी आप स्टूडेंट हो, अभी आपके एग्जाम है, फिर आपकी जॉब होगी, फिर आपका बॉस होगा, फिर आपकी मीटिंग होगी, फिर आपकी शादी होगी, फिर बीवी बोलेगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर बच्चे भी हैं, कुत्ता तो प्रायोरिटी पर कभी आएगा नहीं, है ना। कुत्तों के लिए तो भाई ऐसा है, एनजीओ को फ़ोन कर दो, वो ले जाएंगे क्योंकि उन्होंने तो मतलब ठेका ले रखा है, धर्मशाला खोल रखी है, मतलब खोल रखी है पर हमने अपने हिसाब से खोल रखी है ना, हमने क्लिनिक खोल रखा है कि हम ये कर सकते हैं। आज आपको मूड सही नहीं है सर, यार जस्ट बारिश वारिश खच पच और क्या, फिर कल अंगूर की डेथ हो गई, सीधा नहीं जा रहा कुछ भी, सब उल्टा उल्टा हो रहा है, फिर लोग हमें प्रेशराइज करते हैं ये केस लेके जाओ, भाई लिमिटेड जगह है, हर केस में टाइम लगता है, प्रेशर बनाना भाई, जिस सरकार को तुम टैक्स देते हो उस पर प्रेशर बनाओ ना, जो मंत्री वादा करके आते हैं भाई फलाने साल तक गाय नहीं होगी सड़क पे, हम कुत्तों की समस्या सॉल्व कर देंगे, उन पे प्रेशर बनाओ, 5-5 साल वो पावर में लगा के जाते हैं। आज तो हमने जाना है वहाँ पे, हम एक वीडियो बना रहे हैं ना कि जब मुर्गियों को कैंसर हो जाता है तो फिर पोल्ट्री वाले उसका क्या करते हैं। तो हम 2 दिन पहले गए थे शूट करने ना, तो इसमें बड़ी सारी वो है, बड़ी सारी लाइक लगा लो फैक्ट्रियाँ इन्वॉल्व है, बड़े सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो एक जो स्टेप है, जो लोग उनका सिर्फ काम है अंडे से चूज़ा बनाना, तो उन्होंने हमें सब समझा दिया था, उन्होंने कहा था कि आज वो जो चूज़े हैं बन जाएंगे अंडे से, तो वो हम देखने जा रहे हैं। रब आप किसे शेम ऑन यू कर रहे थे? कद्दू को काहे वहाँ पे छोड़े थे मैट पे आके सुसु करता। कौन से मैट पे? इस मैट पे कर दिया है उसको, उसने अब झिलमिल को घेर भी दिया उसने, तो इसको थोड़ा उधर करवा दो ना यार, नहीं थोड़ा सा 10 मिनट और रुक जाता है ना, बस वहाँ पे करूंगी ज्यादा क्या। मैं भी वही देख रहा हूं, डॉक्टर आशु का न्यू लुक देख के आओ, किसका? डॉक्टर आशु का। डॉक्टर आशु तो देखो, ओ भी किया ये देखो, वो क्या, वो डॉक्टर साहब बहुत स्मार्ट लग रहे हो यार, आपको आप लगान के अंग्रेज लग रहे हो यार। तीन गुना लगान देगा। मैं भी ना ये किराए भी अंग्रेजी रखता हूँ। ओह ये मुर्गे लेके आ रहे हैं, इन्हें साथ ले जाए ना हम अपने, तो पता लगे ना ये कितने फॉर्चुनेट हैं। वैसे एक बात बताऊँ, मैं जब वहाँ गया ना, मुर्गे कटते पहले भी देखे हैं, ये से पहले भी देखा है, पर अब क्योंकि हमारे पास चूचू है और अब हम वहाँ गए और जैसे चूचू जैसे 3500 मुर्गियाँ बस फैक्ट्री में है, अंडे दे रही हैं वो रोज अंडे दे रही हैं, 1.5-2 साल तक वो अंडे देंगी, वो इतने छोटे छोटे डब्बों में होते हैं, A4 साइज से भी छोटा पेपर, और पूरे टाइम उसी में रहते हैं मरते दम तक, एक होता है उसमें बहुत सारे होते हैं ऐसे लाइन में होते हैं, उसमें बस बड़ी मुश्किल से बस ऐसे घूम सकता है इतना, यूं ये भी नहीं कि चल सकता है, चक्कर नहीं लगा सकता, रोटेट कर सकता है। अंडे कैसे देते हैं वो लोग जब वो लोग उसी जगह में रहते हैं पूरे टाइम? अंडा तो ऐसा है ना जैसे कि पीरियड का एग नहीं डिस्कार्ड करती ह्यूमन बॉडी, मुर्गियां भी, पर इनको हाइब्रिड इस तरह का रखा है कि एक मुर्गी साल में तुम्हारे 300 अंडे दे रही है, तो 300 पीरियड वाला वो चला है। तो एनीवे ये है कि क्योंकि हमारे पास चूचू है तो रिलेट करना थोड़ा और, मतलब और ज़्यादा मैं रिलेट कर पाया तो थोड़ा ज़्यादा इमोशनली टफ था। जब मैं व्लॉग नंबर 15 के कॉमेंट्स पढ़ रहा था तो काफ़ी लोगों के कॉमेंट्स आए कि हमने पपीज को मदर से अलग क्यों किया, और आप लोग ठीक कह रहे हैं, आइडली मदर और पपीज को 2 महीने तक साथ रहना चाहिए था, पर ज़मीनी हकीकत ये थी कि जब मम्मी जी हो गई ठीक तो वो यहाँ पे बिल्कुल टिक नहीं रही थी, और हम पपीज को साथ में इसलिए नहीं छोड़ना चाह रहे थे कि वो इधर उधर हो जाएंगे, जबकि हम उनके लिए अच्छे घर ढूंढना चाह रहे थे, तो इसीलिए हमने मम्मी को छोड़ा, लेकिन वो यहाँ के जब चक्कर लगा रही थी तो 2 पपीज जिनके लिए हमारे पास घर बिल्कुल रेडी थे उनके अलावा बाकी पपीज हमने मम्मी के साथ छोड़ दिए, और फिर वहाँ से लोगों ने उनको अडॉप्ट कर लिया, और उन लोगों को तो हम नहीं ही रोक सकते थे। सर कर दो रिलीफ, चेक का चेक हो जाएगा, अगर उड़ गया, अगर उड़ गया तो उड़ गया, बर्ड नीचे आ गया तो फिर दोबारा फिर अंदर उड़ गई, मैं इसे फेंक दूँ, बेचारे उड़ नहीं पाए तो नहीं, अगर तुझे रहना बितर तैयार है उड़ना है तो उड़ जा। क्या हो गया है ऐसे करते कोई? वो कह रहा सब समझ में आ रहा जो तुम बोल रहे हो, गंदी बातें, गंदू लड़का। देखो इसको बिठाओ कंधे पे, एक तरफ को भेंडी हुआ जा रहा है। बैठ गया, वो ऐसा गिरा नहीं गिरेगा,
उड़ने को हो रहा था ना वो। भूमिका जी आई हैं हमारे एनिमल्स से मिलने, यहाँ फार्म स्टे में रुके हैं और हमारे एनिमल्स के लिए ट्रीट्स लेकर के आए हैं। दिल्ली में ये 30 से 40 जानवरों की फीडिंग करते हैं वहाँ पे अपने लोकल एरिया में पर डे। हम वहाँ पे स्टेक फीडिंग करते हैं कि डॉग्स वगैरह को जितना प्रोवाइड करा सके। बारिश होती है ना तो हमारे गेट का, हमारे घर का गेट खटकता है कि कोई आया है, और हम जाके देखते हैं तो डॉग्स ही आए होते हैं हमेशा। एक डॉग है जिसको हमने ना स्पिनिंग सर्जरी कराई थी, तो वो काफ़ी टाइम तक हमारे घर पे रहा था। ओ, सही। फिर उसको धीरे धीरे वॉकिंग सिखाई, फिर उसने रनिंग किया, और दैट वॉज लाइक इतना इमोशनल मोमेंट था ना कि जो चल नहीं पा रहा था आज उसने चलना सीख लिया। जाने से पहले मैं एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। देखिए, यूथनेजिया कभी भी हमारी पहली चॉइस नहीं होनी चाहिए, पर कोई ऐसा केस जहाँ पे किसी जीव को वो केयर नहीं मिल सकती जिसके बिना उसका जीवन जीते जी नरक में बदल जाएगा, वहाँ पे हमें इस चॉइस से कतराना भी नहीं चाहिए। पर डेथ, खासकर मर्सी किलिंग, क्योंकि एक टैबू टॉपिक है जिसके बारे में लोग सोच तो लेते हैं पर बात नहीं कर पाते, उसमें झिझक जाते हैं, तो एनिमल रेस्क्यूअर्स, वेट्स या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको जानवरों के दर्द से फर्क पड़ता है, उसको इस बारे में बात करके इतना नॉर्मलाइज करना चाहिए कि भाई किसी जीव को अगर जीते जी दर्द से मुक्ति नहीं मिल सकती तो जहाँ पे कानून परमिट करता है उसको कम से कम इस दुखदायक जीवन से तो मुक्ति मिल सके।